हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के स्टूडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपके नए वैकेंसी यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस यानी आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सीएपीएफ के रिगार्डिंग जो फॉर्म थे वो आपके रिलीज कर दिए गए हैं। अभी हम sarkarirezult.com पे हैं, आप ऑफिशियल साइट पे भी जाकर वहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपके अपडेट कर दिया गया है, तो यहीं से हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन को दे देंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि कितने आपके फ़ी लगेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए, किनको फ़ी लगेगा, किनका फ़ी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ क्या एज लिमिट होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियोज़ की ओर। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको सारे डिटेल्स को दिए जाएंगे, और यदि आपको कोई एक्स्ट्रा अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई अदर आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेम ऑफ पोस्ट कौन सा है, यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस यानी सीएपीएफ के रिगार्डिंग, ठीक है, जो कि आपका 2022 यानी आपके 2022 का ये आपका फॉर्म है। तो इसमें 20 अप्रैल को यह रिलीज़ किया गया है, कितना 10:43 AM में, यानी आज के दिन का ही यह रिलीज़ है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज़, वही सब बातें लिखी गई कि वो रिलीज़ किया गया है, कब से क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल दी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर इन दिस रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 20 अप्रैल 2022 to 10 मई 2022। यानी कहना मतलब आप जो भी स्टूडेंट जो होंगे इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए, तो वो 20 अप्रैल से लेकर यानी आज से लेकर 10 मई तक इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा गया है कि यूपीएससी CPF AC CAPF 2022 रिक्रूटमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 7 अगस्त, यानी और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, तो आपका ये 7 अगस्त 2022 को इसका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ सामने निकल के आई है, पहला क्या है आपका 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक के बीच फॉर्म को भरा जाएगा, और दूसरा है आपका 7 अगस्त 2022 को क्या होगा, 7 अगस्त आपके 2022 को क्या होंगे, इसके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, एज लिमिट क्या है, इन सभी के बारे में आगे बात करते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरल और ओबीसी के लिए 200 लगेगा, और आपके एसटीएससी कैंडिडेट के लिए एक भी फॉर्म नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कोई भी फी उनको नहीं लगेगा। ये जो टोटल वैकेंसी है यानी टोटल पोस्ट है वो आपको 253 पोस्ट पे है, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आपके ये सीआईएसएफ, फिर ITRP, फिर SSB, इन सभी के रिगार्डिंग अलग अलग पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे अलग अलग पोस्ट लिखे गए हैं, और सभी के क्या है आपके डिफरेंट आपके वैकेंसी हैं, और साथ ही साथ आपका टोटल वैकेंसी जो है वो 253 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट क्या आपका 20 से 25 ईयर के बीच में आपका होना चाहिए, कब से आपका 1/8/2022 तक आपका जो एज होना चाहिए वो 20 से लेकर कितना आपका 25 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे लिखा गया है कि यूपीएससी सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जाम एलिजिबिलिटी, ठीक है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम में, यानी कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए आपका इवन, तो बैचलर डिग्री आपका होना कंपलसरी है, और जो बैचलर डिग्री होगा वो जिस यूनिवर्सिटी से होगा वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आगे बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, वो क्या है फिजिकल एलिजिबिलिटी उसको जान लीजिए। हाइट आपका 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और 165 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका उसी प्रकार से चेस्ट आपका मेल के लिए इतना होना चाहिए, और फीमेल के लिए चेस्ट के बारे में कुछ नहीं आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उनके लिए कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आगे क्या है आपका यहाँ पे लिखा गया 100 मीटर रेस में आपका 16 सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 100 मीटर रेस, और आपका फीमेल वाले को 18 सेकंड में क्या होना चाहिए उनके 100 मीटर रेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर 800 मीटर का भी रेस होगा जो कि आपको 3:45 में मेल को करना होगा और 4:45 में फीमेल को करना होगा। फिर लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर का होगा मेल के लिए और 3 मीटर का होगा आपका फीमेल के लिए। फिर शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg का शॉर्ट पुट आपको फेंकना होगा 4.5 मीटर तक और मेल के लिए, और फीमेल के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या है इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आपका ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे इसके सबसे पहले जो हमारा नोटिफिकेशन उसके बारे में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्या करेंगे हम डाउनलोड करेंगे, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे अभी ओपन करते हैं, और इसके बारे में जो भी कुछ और भी बचे हुए इन्फॉर्मेशन यदि होंगे वहाँ पे तो उसको भी पढ़ के आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी ओपन हो रहा है, 2 मिनट वेट करिए। चलिए ये हमारा ओपन हो चुका है, हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी, वही सब है, एलिजिबिलिटी है, हाउ टू अप्लाई में क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन ओनली, ठीक है। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसके पोर्टल पर जाकर, www.upsconline.nic.in के पोर्टल पर जाकर इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कैंडिडेट्स हैव डिटेल, अच्छा आपको क्या क्या होने चाहिए आपके पास, तो वो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या वहाँ पे मांगा जा सकता है फॉर्म भरते दौरान, ये सभी चीज़ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट है आपका, इसमें
आपका बताया गया कि हाँ कब से कम कब आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमने आपको बता दिया है और आप खुद से पढ़ लीजिएगा। वैकेंसी यहाँ पे लिखा गया है कैसे किस प्रकार से वैकेंसी है, BSF का, CAPF का, CRPF का, सभी का वैकेंसी यहाँ पे लिखा गया है, वो सब भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा बताइए। तो जो भी बिहार वाले स्टूडेंट होंगे उनका सेंटर आपका पटना में पड़ेगा और अदर स्टेट्स के अलग अलग सेंटर भी है यहाँ पे, जैसे रांची है, फिर से आपको क्या है कोलकाता भी सेंटर है आपका। तो जो भी स्टूडेंट जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे उसके रिगार्डिंग उनका जो नियरेस्ट सेंटर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिस स्टेट में जिस शहर में हैं, आप जिस स्टेट के जिस शहर में हैं उसी में आपको उसी के डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है आपके लिए क्या कि जैसे कि जो नज़दीकस यानी जो आपका नियरेस्ट सेंटर होता है उसको जनरली ये सभी लोग अलॉट करते हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट सेंटर होता है। तो हर जगह सेंटर देना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो नियरेस्ट सेंटर को ये लोग अलॉट करते हैं। तो नियरेस्ट सेंटर में जैसे कि बिहार के जो भी स्टूडेंट होंगे, बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, कुछ मुजफ्फरपुर के होंगे, कोई अलग अलग स्टेट्स के होंगे, तो वो क्या होगा आपका बिहार का पटना में दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोलकाता का सारा सेंटर क्या होगा आपका कोलकाता में दिया जाएगा। कोलकाता देखिए बहुत से स्टूडेंट जो बिहार के होते हैं उनका भी सेंटर कोलकाता में भी दिया जाता है, ठीक है। जब आपका पटना सेंटर फुल हो जाता है तो उनका सेंटर कोलकाता में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप सारे सेंटर को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यही सब आपका इन्फॉर्मेशन है। एज लिमिट आपको हमने बता ही दिया है क्या है आपका एज लिमिट, और ये सभी इन्फॉर्मेशन आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि इतना अगर हम आपको पूरा कथा पढ़ के सुनाएंगे तो ये बहुत लंबा कथा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पढ़ के सुनाने की जरूरत है नहीं, कुछ अदर डिटेल्स है ये सभी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे PFT के रिगार्डिंग हमने बता दिया है। और बात करते हैं थोड़ा सा चलिए इसके सिलेबस के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा इसका, जनरली इसका एग्जामिनेशन जो होता है आपके वो दो टर्म में होते हैं, पेपर वन पेपर टू करके होता है। पेपर वन का अलग सिलेबस होता है, पेपर टू का अलग सिलेबस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेपर वन और पेपर टू के सिलेबस के बारे में। देखिए तो पेपर वन का सिलेबस देख सकते हैं, जनरल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस है 250 मार्क्स का, और पेपर टू में क्या है आपका जनरल स्टडी एसे एंड कम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का। ये एसे आपको लिखना पड़ेगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है आपका पेपर वन ये क्या होगा आपका MCQ होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका रिटेन होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका रिटर्न होगा। तो ये क्या होगा आपके इन्फॉर्मेशन होगा इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। फिर सिलेबस जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे फिर क्या होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन फिर क्या होगा आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके CAPF यानी आपके UPSC CAPF के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थे वो हमने आपको दिया है यहाँ पे। और कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, यदि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपको और बताना जरूरी हो तो यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और दिया गया है क्या, तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी है नहीं, यहाँ पे सारे चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो आप खुद से यहाँ पे सारे चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी यहाँ पे जो कि आपको बताया जाए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था हमें बताना था आपको, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। और हमने आपको फिर से कह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को जरूर भरे क्योंकि जो आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वो बुक भी हो जाता है, वो जल्दी से जो बचे हुए स्टूडेंट होते हैं उनको मिल जाता है, देन फिर आपको उसके बाद वाला नियरेस्ट सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से आप पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म को भर ले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करें और एग्जामिनेशन फॉर्म को भर ले आप, ठीक है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।